फॉर्म पर भर्ती जो है आगे है दोस्तों 2020 के लिए मेल एंड फीमेल दोनों के लिए दोस्तों आरपीएफ में बंपर भर्ती निकली है लगभग 19,952 पदों के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में लगभग 19,952 पदों की जो भर्ती है दोस्तों उसके लिए योग्यता आपकी 10वीं और 12वीं पास तक रहेगी। पोस्ट नेम की बात करें दोस्तों रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में वो कांस्टेबल के लिए दोस्तों ये भर्ती निकली है आरपीएफ की ओर से। सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही दोस्तों आरपीएफ में मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 19,952 पदों की भर्ती निकल गई है दोस्तों। इसको कब से अप्लाई करना है और इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होगी दोस्तों वो सब आपको मैं बताऊंगा। कहां से इसको अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मैं दूंगा दोस्तों। आरपीएफ की ओर से सबसे बड़ी खबर जो है निकल के आ गई है। पोस्ट नेम दोस्तों कांस्टेबल की पद है, 10वीं और 12वीं पास है दोस्तों, तो आरपीएफ की तैयारी करने वाले सभी के लिए गुड न्यूज दोस्तों यहां पर आ गई है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर इस सही जवाब आप दोगे तो किसी एक विजेताओं को रेलवे की कोर्स बिल्कुल फ्री मिलेगी जिसमें आरपीएफ एसआई की और आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी साथ ही एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए उनके लिए काफी ज्यादा मददगार होगी। क्वेश्चन दोस्तों कि वर्तमान में केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है? आपके ऑप्शन है पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण। जी हाँ दोस्तों, पीयूष गोयल या निर्मला सीतारमण में से कौन है रेलवे के वर्तमान में रेलवे केंद्रीय मंत्री, आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को हम बता देते हैं कि जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जो भर्ती निकली 19,952 के लिए आपको कहां से चेक करना है। और हाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि आपके एक लाइक से हमें काफी ज्यादा मदद मिलती है और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, आपको गूगल पे आना है पूरी जानकारी के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं गूगल पे आप लोगों को आना है पूरी जानकारी के लिए दोस्तों, और आप लोगों को टाइप करना है akindiajob.com। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट दोस्तों आप लोगों को मिलेगा आरपीएफ की। आपको गूगल पे सर्च करना है www.akindiajob.com। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, और आपको पहला लिंक को ओपन करना है। जी हाँ दोस्तों, www.akindiajob.com को ओपन करना है दोस्तों गूगल पे। और इसे ओपन करने के बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो अभी कुछ देर पहले की अपडेट आई है दोस्तों आरपीएफ में, आरपीएफ रिक्वायरमेंट 2020 के लिए 19,952 अपकमिंग वैकेंसी है दोस्तों ओनली फॉर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसको सिंपली क्या करना है, इसको ओपन करके पूरी जानकारी के बारे में यहाँ पर देख लेना है दोस्तों। मैं आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों 19,952 सीटों की अपकमिंग वैकेंसी आने वाली है दोस्तों आरपीएफ की ओर से, और अभी देख रहे हो कुछ ही देर पहले की यह अपडेट आई है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन में टोटल वैकेंसी दोस्तों 19,952 पोस्ट है। जी हाँ दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी पढ़ने के लिए दोस्तों, आप देखने के लिए, इसके नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर टाइप करना है www.akindiajob.com, और दोस्तों आपको पूरी जानकारी यहां पर मिल जाएगा। और दोस्तों आपको यहां पर रेगुलर अपडेट किया जाता है हर एक गवर्नमेंट जॉब की अपडेट से, तो बस आप लोगों को कुछ नहीं करना है, दिन में कम से कम दो बार www.akindiajob.com को सर्च करना है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं इसमें 19,952 पदों की भर्ती यहां पर निकलने वाली है। कब से अप्लाई होगा इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, लिंक भी बताऊंगा कि कहां से आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एज लिमिट की दोस्तों मैं बात करूं तो एज लिमिट आपकी 18 से लेकर के 25 साल है। अगर आप मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 साल के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज में आपको एज रिलैक्सेशन भी यहां पर दिया गया है। एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको ₹500 देना है। जी हां दोस्तों, रेलवे आरपीएफ प्रोटेक्शन की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की फॉर्म भरने के लिए ₹500 एप्लीकेशन फी देना है जनरल और ओबीसी के कैंडिडेट के लिए। वहीं एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए ₹250 देना है आरपीएफ कांस्टेबल की फॉर्म अप्लाई करने के लिए। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहां पर फिजिकल भी आप लोगों को यहां पर लिया जाता है। तो फिजिकल में दोस्तों आपको जनरल ओबीसी और एससी एसटी के मैं बता दूं, हाइट 165 आपकी जनरल की होनी चाहिए, ओबीसी की 165, एससी के लिए 160 और एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। दोस्तों उसी तरह आप देख सकते हो यहां पर फीमेल की भी आप लोगों को यहां पर पूरी जानकारी मिल जाएगी कि फीमेल की हाइट मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो जनरल की 157, ओबीसी की 157, एससी की 152, एसटी की 152। जी हां दोस्तों, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आपको इतनी हाइट कम से कम चाहिए। उसके बाद दोस्तों फीमेल में बात करें हाइट की, चेस्ट की, उसके बाद रनिंग दोस्तों 1600 मीटर आपको 5 मिनट 45 सेकंड में कंप्लीट करना होता है, लॉन्ग जंप आपको 14 फीट और हाई जंप 4 फीट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी कि आरपीएफ में आप लोगों को फिजिकल में ये करना होता है। जहां दोस्तों उसी तरह बात करें महिलाओं के लिए, महिलाओं में भी 800 मीटर की रनिंग होती है 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर, लॉन्ग जंप दोस्तों आपको 9 फीट की होती है। जहां दोस्तों आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में लॉन्ग जंप जो होती है वो 9 फीट की होती है, और हाई जंप की बात करें तो 3 फीट की होती है। जी हां दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगा। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो
दसवीं पास जो है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पर भर्ती आई है दोस्तों। मैं आप लोगों को बता दूं इसकी मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होता है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आपकी रिटर्न होती है, उसके बाद आपको फिजिकल होता है, उसके बाद आपकी मेडिकल लिया जाता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट टेस्ट यानी कि आप नौकरी में लग गए और आप इसकी सैलरी जो है उठाने लायक बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर इसको अप्लाई करने के लिए मैं बता दूं, इसके ऑफिशियल वेबसाइट से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ जैसे देख सकते हैं दोस्तों जनवरी 2020 तक आपको दोस्तों इसके अप्लाई का लिंक जो है अवेलेबल हो जाएगा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन करने का लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आएगा दोस्तों आप लोगों को बता दिया जाएगा। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए दोस्तों आप यहाँ से क्लिक करके इसके डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे ही इसकी आएगी लास्ट डेट मैं बता दूं आप सभी को, जनवरी फरवरी 2020 तक आपकी लास्ट डेट इसकी रहेगी, आप इसके पहले जो है अप्लाई कर पाइएगा। एप्लीकेशन स्टार्ट का लिंक अभी तक नहीं बताया गया दोस्तों। जैसे इसके ऑफिशियल अपडेट आएगा सबसे पहले दोस्तों आपको बताएगा akindiajob.com। जी हाँ दोस्तों, आपको वीडियो के माध्यम से साथ ही वेबसाइट पे भी आप लोगों को पूरी जानकारी दे दिया जाएगा, तो रेगुलर विजिट करके देखते रहिए 19,952 सीट की भर्ती के लिए। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। और चैनल पे पहली बार है तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है।